ठीक कर वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो भाई आपको जो भी करना होगा आप कर लीजिएगा, पहले ये वीडियो तो। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या हो सकता है टूथब्रश का बेस्ट यूज जो कि आपको भी काफी ज्यादा पसंद। सबसे पहले हमें एक टूथब्रश ले लेना है, अब उसको जो है हमें काट लेना है। तो मैं काटने के लिए ब्लेड से इसको काट रहा हूँ, तो बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। एंड देखते हैं अब ये टूटता है कि नहीं। भाई बहुत मजबूत निकला, दिखने में इतना छोटा है इतना पतला है लेकिन ये टूट ही नहीं रहा है। आज इसने मेरी फिर से बेइज्जती कर दी, मतलब हर वीडियो में मेरा मजाक बन के ही रह जाता है। क्या करूं फ्रेंड्स, जब भी वीडियो बनाता हूं कोई ना कोई मजाक जरूर बन जाता है। बट इसको तो इस बार छोड़ूंगा नहीं, इसको तोड़ के ही मानूंगा, वो भी हाथ से। ये फ्रेंड्स ये टूट चुका है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस ब्रश की जरूरत है। तो इसको रख लेते हैं, हमें इसको बीचों बीच एक छेद करना है जिससे कि हम यहाँ पर एक मोटर लगा सके। और क्यों लगाएंगे वो तो अभी पता चलेगा, पहले छेद तो कर लीजिए। फ्रेंड्स छेद हो चुका है, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है और वो गलती क्या है अभी पता चल जाएगा। तो हम इसको डीसी मोटर में कनेक्ट करते हैं। हो गया, अब इसको डीसी मोटर को चलाकर देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं, और इसका क्या काम होने वाला है वो भी पता चल जाएगा अभी आपको। देखिए मोटर को हमने बैटरी से कनेक्ट, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है और साथ ही इसका टॉर्क भी बहुत कम है। तो इसको जल्द से हम लोग किसी चीज से सटा रहे तो तुरंत रुक जा रहा है, तो इसके टॉर्क को कैसे बढ़ाएं और वाइब्रेशन को कैसे कम करें, तो उसके लिए सिंपल सा जुगाड़ है। हम इसको काट कर और छोटा कर सकते हैं और बिल्कुल बराबर दोनों साइड इसका बराबर हो जाएगा, तब ये जो है वाइब्रेट भी नहीं करेगा और जो है टॉर्क भी हाई हो जाएगा इसका। तो लीजिए फ्रेंड्स रेडी हो गया हमारा ये वाला प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। बन तो गया बट ये किस काम का है। तो इस तरीके से मैं अपना साइकिल इसे साफ कर ले रहा हूँ। आप कुछ भी इसे साफ कर सकते हो, चाहे वो मेज हो या फिर कुर्सी हो, कुछ भी हो तो आप साफ कर सकते हो, डिब्बा भी साफ कर सकते हो। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप अपना बर्तन भी इसे साफ कर सकते हो, कपड़े भी धो सकते हो। काफ़ी मस्त जुगाड़ है, जैसे कि कपड़ों में छोटा सा दाग लगा होता है ना तो उसको रगड़ते रगड़ते पूरा कपड़ा ही फाड़ डालते हैं। तो ये काफी मस्त चीज है, इससे जो है आपका जो है कपड़ा फटेगा नहीं। भाई वाह, क्या वीडियो बनाया था, ब्रश से जुगाड़ लगाकर ऐसा क्लीनर बनाया कि मैंने तो अपनी गाड़ी भी चमका ली, साइकिल तक चमका ली। और आप लोग मुंह क्या देख रहे हो, लाइक का बटन दबाओ और सब्सक्राइब भी, कमेंट कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।